हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कंजम्पशन के बारे में, यानी कि उपभोग के बारे में। मैं सारी सीरीज़ बना रहा हूँ सामाजिक विज्ञान के ऊपर, आप पूरा इसे देखें, पूरा समझें TGT SST पर। और ये मेरे बारे में है कि आपके मेंटर कौन है, आपको आप किसके द्वारा पढ़ते हैं और ये किस विषय के लिए ये चैनल है विशेष रूप से, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पूरा इसमें इस चार्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपभोग के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा चर्चा करने वाले हैं उपभोग यानी कि कंजम्पशन के विषय में। पार्ट वन मैंने इसका बना दिया है, अब पार्ट सेकंड मैं बना रहा हूं, जो कि 51 से लेके MCQ 100 तक चलेगा। 1 से लेके 50 तक की MCQ मैं बना चुका हूँ इस पार्ट वन में, और अब पार्ट सेकंड हम शुरू करते हैं। और उससे पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 51। उपभोक्ता की मांग वक्र किस दिशा में बदलती है या बदलता है? मांग की वृद्धि में। मांग के विस्तार एवं संकुलन में उपभोक्ता का मांग वक्र नहीं बदलता, यानी कि बी। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि घटती सीमांत, क्योंकि घटती सीमांत उपयोगिता के कारण। पूर्ण तृप्ति बिंदु पॉइंट ऑफ सेटाइटी पर सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता कहा जाता है कुल उपयोगिता में वृद्धि को। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से नापी जाती है? उपयोग मूल्य से। पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता क्या है? पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता हमेशा ऊंची होती है। उपयोगिता का संबंध, अगर हम बात करें उपयोगिता के संबंध के बारे में, तो उपयोगिता का जो हमेशा संबंध होता है वो अनुमानित संतुष्टि से है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम कब लागू होता है? प्रतिस्पर्धा और पूरक वस्तु दोनों में से किसी एक में नहीं है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम आंसर डी। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता सदैव इकाई से अधिक होती है। एडम स्मिथ ने अपने हीरे पानी के विरोधाभास से स्पष्ट किया है कि उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। बी, आंसर बी। प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव ऋणात्मक होती है, आंसर ए। पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र एल के आकार के होते हैं। उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थता वक्र क्या होता है? एक सरल रेखा के रूप में होता है। सामान्य पदार्थ और श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव धनात्मक रहता है या घनात्मक रहता है। कीमत उपभोग वक्र का ढाल वस्तुओं की प्रकृति को बताता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की श्रेणी है। निर्बल क्रम। पूर्ण पूरक वस्तुओं यानी कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर शून्य होगी। प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है उपयुक्त दोनों सत्य, मतलब निर्बल क्रमबद्धता और सबल क्रमबद्धता। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे सैमुएलसन। सैमुएलसन का सिद्धांत संबंधित है
धनात्मक आय लोच से। यदि एक उपभोक्ता के लिए MUX, MUY, PY, PX है तो उपभोक्ता वस्तु X का प्रतिस्थापन वस्तु Y से तब तक करता रहेगा जब तक कि आंसर बी MUX इक्वल टू MUY नीचे PY और PX। औसत उपयोगिता बराबर होती है कुल प्राप्त उपयोगिता और वस्तु की उपभोग की गई मात्रा के। बी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोगिता में नहीं पाई जाती, कौन सी विशेषता है ये? उपयोगिता की गणना वाचक माप नहीं की जा सकती, ये विशेषता है। एक वस्तु उपयोग मूल्य वैल्यू इन यूज एवं विनिमय मूल्य वैल्यू इन एक्सचेंज में अंतर पाया जाता है। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती है? उपयोग मूल्य से। पानी की कुल उपयोगिता अधिक और सीमांत उपयोगिता कम होती है, आंसर बी। चाय की कीमत बढ़ने और कॉफी की कीमत घटने पर क्या होता है बताइए, अगर उत्तर आपको पता हो तो। अधिक कॉफी और कम चाय खरीदी जाएगी। जी नहीं, इसका उत्तर ए है, अधिक चाय ही खरीदी जाएगी। 81 का 1, चाय की कीमत बढ़ने और कॉफ़ी की कीमत घटने पर अधिक चाय खरीदी जाएगी। 82 का देखें, जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक कुल उपयोगिता वक्र एक्स अक्ष के उन्तोदर होता है, एक्स अक्ष के उन्तोदर होता है। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? एडवर्ड्स ने किया था। पूर्ण प्रतिस्थानापन वस्तुओं की स्थिति क्या है ये? इसका उत्तर है सी, तटस्थता वक्र का एक अपवाद है। पूर्णतया पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र एल आकार के होते हैं, ये हम पहले भी। जो जो उपभोक्ता बाएं से दाएं की ओर तटस्थता वक्र पर जाता है त्यों त्यों अगले सेवक के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है। आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णता आय के परिवर्तन की परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, आंसर सी। कीमत प्रभाव को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, कीमत प्रभाव इक्वल टू प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव, यानी कि आंसर ए। उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में पुरानी शराब मात्रा है, यह कथन किसका है? रॉबर्टसन का। तटस्थता वक्र के सभी बिंदु देते हैं क्रमश क्या देते हैं? घटती संतुष्टि, बढ़ती संतुष्टि या स्थिर और समान संतुष्टि या उपयुक्त सभी? स्थिर और समान संतुष्टि। उपभोक्ता की बचत किसके लिए अधिकतम होती है? अनिवार्य वस्तुओं के लिए। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता बचत का आधार है उपभोक्ता हास नियम। आय प्रभाव की अगर हम जब बात करते हैं तो आय प्रभाव ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। उपयोगिता विश्लेषण में पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता होती है क्रमश अधिकतम और शून्य। सापेक्ष कीमतों के परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव। एक वस्तु की कीमत में कमी क्या परिणाम देती है? उपयुक्त दोनों एक स्थान एक साथ उत्पन्न होते हैं। केवल आय बदलने पर जबकि कीमतें एक समान बनी रहती हैं कीमत रेखा समांतर रूप से बाएं अथवा दाएं स्थानांतरित होती है। उपयोगिता संबंध है अनुमानित संतुष्टि से। कुल उपयोगिता यानी कि बढ़ती है फिर घटती है। उदासीनता वक्र के मूल बिंदु की ओर
उन्तो दर यानी कि कन्वेक्स होने के कारण है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो इस तरह हमारे 100 प्रश्न पूरे होते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। और मैं इस TGT SST पर सभी सीरीज़ बना रहा हूँ तो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।